आज हम एक्चुएटर्स एंड टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुएटर का मतलब क्या होता है। एक्चुएटर एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जो किसी भी चीज़ को मूव या कंट्रोल कर सकता है, या तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक्चुएटर एक ऐसा एंड पॉइंट होता है जो एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, या जो एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मेरे पास एक रोबोट है, और ऑब्वियसली अगर एक रोबोट है तो उसके ऊपर अलग अलग सेंसर्स लगे हुए होंगे जो अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट को हमेशा सेंस कर रहे होंगे, राइट। अब इमेजिन करो कि सामने से एक इंसान आता है और वो इंसान बेसबॉल बैट की मदद से इस रोबोट को मारने लगता है। अब क्योंकि सामने वाला इंसान इसको मार रहा है, तो इस रोबोट के जो सेंसर्स है वो उस चीज़ को सेंस कर लेंगे और वो रोबोट अपने आप को डिफेंड करेगा बाय मूविंग बैकवर्ड्स विथ हिज लेग्स एंड बाय डिफेंडिंग हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज हैंड्स, राइट, रोबोटिक आर्म्स, ओके। अब अगर तुम इस सिचुएशन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रोबोट के जो सेंसर्स हैं वो अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट को सेंस कर रहे हैं और एक सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, और वो सिग्नल उस रोबोट के प्रोसेसर में जा रहा है, मतलब बेसिकली दिमाग में जा रहा है, और वो प्रोसेसर उस सिग्नल को प्रोसेस कर रहे हैं और एक आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, और उस आउटपुट के बेसिस के ऊपर उस रोबोट के जो हाथ और पैर है वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, विच इज by moving backward and by defending that robot himself, right? तो यहाँ पे at the end of the day कौन action perform कर रहा है, उस robot के हाथ और उस robot के पैर। तो इसीलिए उस robot के हाथ और पैर यहाँ पे actuators हैं, right? अब actuators के होते हैं अलग अलग प्रकार, और अब उन्हीं प्रकारों का हम अभ्यास करेंगे। अब सबसे पहला टाइप ऑफ एक्चुएटर इज इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्चुएटर है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर से अगर किसी भी ऑपरेशन को हमें परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें किसी भी स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर काम करता है, और वो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और IoT डिवाइसेस जनरली इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्चुएटर इज न्यूमैटिक एक्चुएटर। न्यूमैटिक एक्चुएटर के साथ तुम कंप्रेस्ड एयर या वैक्यूम की मदद से एनर्जी को एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, और न्यूमैटिक एक्चुएटर के मदद से तुम बहुत कम प्रेशर में भी ज़्यादा से ज़्यादा रोटेटिंग या लीनियर मोशन प्रोड्यूस कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्चुएटर इज हाइड्रोलिक एक्चुएटर। इसके अंदर एक सिलेंडर या फ्लूइड बेस्ड मोटर होता है, और ये हाइड्रोलिक्स के पावर का इस्तेमाल करता है मैकेनिकल एक्शन को जनरेट करने के लिए। अब तुम लोग कहोगे कि हाइड्रोलिक्स का मतलब क्या होता है। हाइड्रोलिक्स एक मैकेनिकल फंक्शन होता है जो ऑपरेट करता है थ्रू द फोर्स ऑफ लिक्विड प्रेशर। मैं यहाँ पे एग्जांपल इमेज भी दे दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और ये जो हाइड्रोलिक एक्चुएटर का मोशन होता है वो स्ट्रेट, ऑसिलेटिंग या रोटेटिंग भी हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्चुएटर इज मैकेनिकल एक्चुएटर। ये एक्चुएटर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के रोटेटिंग मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, विच इज रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुमने किसी भी इंसान को फोर व्हीलर कार ड्राइव करते हुए देखा होगा, या तुमने कभी फोर व्हीलर कार ड्राइव की होगी, तो वो जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसको तुम एज एन फिजिकल ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो, और वो तुम रोटेट ही कर सकते हो, राइट। और जो तुम्हारी गाड़ी है वो तो एक लाइन में सीधा ही जा रही है ना, तो बेसिकली वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, दैट इज कन्वर्टिंग योर रोटेटिंग मोशन इनटू द लीनियर मोशन, राइट। तो ये है मैकेनिकल एक्चुएटर। अब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए, और अगर आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ऐसा करने के लिए आपको आंसर्स एक प्रॉपर तरीके से लिखने पड़ेंगे, और तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकेंगे। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस अवेलेबल करा के रखे हैं। थैंक यू सो मच।